हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सिंह यादव पर। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ कोई भी फेक नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता है और कोई भी नोटिफिकेशन प्रूफ के साथ तथा ऑफिशियल ही दिया जाता है और समय समय पर दिया जाता है। ओके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर देखिए, तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब टॉपिक की बात करते हैं। तो आप लोगों को बता दूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, तो अगर आप स्क्रीन शॉट का सहारा ले सकते हैं तो स्क्रीन शॉट का सहारा ले लीजिएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट चेंज हुआ है जो कांस्टेबल का, अभी कांस्टेबल का दिखाऊंगा, उसके बाद में एसआई का दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी कांस्टेबल का डेट आया हुआ है तो उसका भी देख लीजिए। तो कैसे करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ठीक है, इस पेज पर आ जाएंगे, ये कांस्टेबल का पेज है तो कांस्टेबल पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर इस पर आने के बाद आपको यहाँ से क्लिक करना है, देखिए सीबीटी एग्जाम शेड्यूल पर, तो इस पर क्लिक करते हैं हम। तो इस पर आने के बाद अगर आप हिंदी में जाना चाहते हैं, ये अभी इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है इंग्लिश में समझा दे रहा हूँ, अगर हिंदी में आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए हिंदी में भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे हिंदी पे क्लिक कर देना। यहाँ पे देखिए रेड कलर का जो आइकॉन दिखा रहा है ना, यहीं पे हिंदी पे क्लिक कर दें, ये हिंदी में हो जाएगा, ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। ठीक है, हिंदी में, तो यहाँ पे आपको बता दूँ सीबीटी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीबीटी एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड फॉर कॉन्स्टेबल अकाउंट, मतलब ये कॉन्स्टेबल के लिए, आरपीएफ कॉन्स्टेबल के लिए। तो 3 फेज में एग्जाम होगा, तो ग्रुप ई का एग्जाम जो है पहले होगा, तो उन लोगों का एग्जाम स्टार्ट डेट दिया हुआ है यहाँ पे और एंड डेट मतलब समाप्त होने का डेट, तो 20 तारीख बारहवा महीने 2018 से स्टार्ट होगा, जो कि 22 तारीख बारहवा महीने 2018 तक चलेगा। फेज 2 फेज 3 लिख दिया, फेज 2 लिखना चाहिए था यहाँ पे। तो ग्रुप ए बी और एफ, ये ऑफिशियल है बिल्कुल, ये कोई फेक नहीं है, ऑफिशियल साइट से देखो, जैसे कि जाऊँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से बताएँ उसे करेंगे तो आपके सामने भी यही पेज खुलेगा। ओके, तो ग्रुप ए बी और एफ का एग्जाम है 17 तारीख से लेकर 25 तारीख तक एग्जाम होगा, 17 जनवरी 2019 से 25 जनवरी 2019 तक। और फेज 3 में जो एग्ज़ाम होगा ग्रुप सी और डी का, तो उन लोगों का होगा 2 फरवरी 2019 से लेकर 19 फरवरी 2019 तक चलेगा एग्ज़ाम। ओके, और यहाँ नीचे दिया है कॉल लेटर डाउनलोड, तो इसको शॉर्टकट में आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। एसआई और कॉन्स्टेबल दोनों के लिए ऐसी है कि आपका एग्ज़ाम जिस दिन पड़ेगा उससे 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा। ओके, तो चलिए अब ये अभी तो कॉन्स्टेबल का है, और एसआई के लिए हम अब एसआई वाले पेज पर चलते हैं। ओके, और ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग के पढ़ने के लिए यहीं दिया गया है, ये सब पढ़ने के लिए दिया गया है, हिंदी में है तो हिंदी में पढ़ लीजिएगा, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इस पर यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक कर लीजिएगा। ओके, तो ये इंग्लिश में हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है इंग्लिश में हो जाएगा, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप लोग भी इसे पढ़ सकते हैं और एग्जाम शेड्यूल देख सकते हैं। ओके, या नहीं देखना चाहते हैं तो इसका एग्जाम इसका मतलब स्क्रीन शॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं अब एसआई के पेज पर। ओके, एसआई वाले पे तो आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आरपीएफ रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, मतलब एसआई इन आरपीएफ में, ठीक है 2 2018 और 1 2 1 2 2018 जो है कांस्टेबल के लिए है, तो उस समय देख रहे थे कि वहाँ इंस्पेक्टर नहीं, सब इंस्पेक्टर एसआई नहीं लिखा हुआ था, वहाँ पे कांस्टेबल लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आते हैं, तो नीचे आने के बाद आपको अगर देखिए रोल नंबर जानना है अपना तो यहाँ से जान सकते हैं इस पर क्लिक करके, इसके बारे में वीडियो मैं आप लोग को बना दिया हूँ पिछले, तो उससे भी देख सकते हैं, या वीडियो के अंत में उसको वीडियो को दिखाया जाएगा वहाँ से देख सकते हैं। ओके, अब ज़्यादा वीडियो लंबा जा रहा है तो इसलिए मैं शॉर्टकट में भी जा रहा हूँ नीचे, देखिए इस पर क्लिक करना है, इस पर सीबीटी एग्जाम शेड्यूल पे, ये एसआई वालों के लिए है। ठीक है, एसआई वाले कैंडिडेट के लिए, तो इस पर जाने पर इस पर भी वही लैंग्वेज, हिंदी में अगर चाहते हैं तो हिंदी पे क्लिक करें, इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो ये अभी इंग्लिश में दिया हुआ है तो इंग्लिश में मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। ओके, तो देखिए क्या दिया हुआ है, सर फ्रेंड पीछे चल गया फिर, तो चलिए अब सुना देता हूँ। तो फेज 1 देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सीबीटी एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर सम इंस्पेक्टर, मतलब एसआई के लिए है। ठीक है, फेज 1 फेज 2 फेज 3 तीन फेज में एग्जाम होगा, यहाँ से क्लियर होता है। फेज 1 में होगा ग्रुप ई और एफ का, जिनका एग्जाम 19 तारीख यानी 19 दिसंबर 2018 से लेकर 19 दिसंबर, मतलब एक ही दिन है इनका। ठीक है, तीन फिटिंग मिले या कितने फिटिंग मिलेगा उनका विचार का है, कितने मिलेगा लेंगे। और फेज 2 का जो है, तो फेज 2 में ग्रुप ए और बी, जो ग्रुप ए और बी में अप्लाई किए हैं उनका है, तो उन लोगों का 5 तारीख यानी 5 जनवरी 2019 से 6 जनवरी 2019 तक है, यानी इन लोगों का एग्जाम 5 और 6 2 दिन होगा। और फेज 3 में जो है ग्रुप सी और डी वालों के लिए है, तो इन लोगों का 9 तारीख से स्टार्ट होगा, 9 जनवरी से स्टार्ट होगा और 13 जनवरी तक चलेगा। ओके, तो अब आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो से मदद मिली होगी, या वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सारे भाइयों को पता चल जाए। ओके, कि उन लोगों का एग्ज़ाम कब है, और हाँ अभी तक मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस सारे का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एसआई लिख के एसआई का जो लिंक होगा, एसआई लिख करके नीचे लिंक होगा उसका होगा, और कॉन्स्टेबल का कॉन्स्टेबल लिख करके नीचे लिंक होगा उसका। ठीक है, ऑफिशियल साइट का भी लिंक होगा वहाँ पे, तो वहीं से आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ओके, जिनको हिंदी में करके पढ़ना है तो यहाँ पे हिंदी कर दीजिए, आप नीचे आकर हिंदी में पढ़ सकते हैं, हिंदी में यहाँ पे हिंदी कर देना है, जैसा कि मैं कर दिया हिंदी पे। ठीक है, देखिए हिंदी में हो गया,
ये सब पढ़ना, ये सब नीचे वाला पढ़ना भी जरूरी है। ओके तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा चला जाएगा मेरे पढ़ने पर। सो प्लीज़ अगर अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो। ना अच्छा लगे और कोई ना लगे तो चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, अगर आपके काम लायक हो तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके और कुछ गलती देखे तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर करें, कमेंट कर दें कि मतलब क्या मतलब मुझे आपको मदद मिली है या नहीं मिली है। सो प्लीज़ वन कमेंट।